Hi everyone, this is Dr. Kaushik, radiology resident from Safdarjung Hospital. So finally NEET PG की डेट आ चुकी है एंड जो डेट डिसाइड की है वो है 11th ऑफ सेप्टेम्बर. सो फाइनली अब डेट आ गई है एंड बहुत सारे लोग जो बहाना बनाते थे ना पढ़ने का कि डेट डिसाइड नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस की एक मेंटेलिटी होती है कि वो एक जब एक उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक टारगेट फिक्स हो जाता है जब वो ज़्यादा मेहनत करता है. सो फाइनली यहाँ पर डेट भी आ गई है. द मेन थिंग फॉर एनी सिलेक्शन इज टू मेक ए प्लान, दैट इज परफेक्ट प्लान. एक परफेक्ट प्लान होगा एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, देन जो आपका आउटपुट होगा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. सो मेक ए परफेक्ट प्लान. सो यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान बनाओ, देन उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे कैसे सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, सो फर्स्ट थिंग जो आप ऐसे कर सकते हो कि एक ग्रैंड टेस्ट दो एंड उस ग्रैंड टेस्ट में सबसे कम मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आ रहे हैं आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको पता है आपके वीक सब्जेक्ट क्या है तो आप वहाँ से स्टार्ट करो. बट द थर्ड थिंग, आप खुद को मोटिवेट करने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट करो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है. बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू जहाँ से भी, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो प्रेपलेडर हो, चाहे मैरो हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, डैम्स हो, भाटिया हो, कुछ भी से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, नीट पीजी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. सो जितना हो सकता है उतने एमसीक्यू सॉल्व करो. देन आपका सेकंड प्लान होना चाहिए कि वीकली ग्रैंड टेस्ट देने हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रैंड टेस्ट देना. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो या ग्रैंड टेस्ट दो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर जितना आप ग्रैंड टेस्ट देते जाओगे उतना आपको पता लगता रहेगा कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं एंड आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हो. जब आपको ये पता लगेगा कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, बार बार गलतियाँ जो हो रही हैं बस उनको ही हमें ठीक करना होता है. और वो कैसे पता लगेगा? ग्रैंड टेस्ट देने से. तो जितना हो सकता है उतने ग्रैंड टेस्ट दो. वीकली कहीं से भी कैसे भी टाइम निकाल कर अपना एक ग्रैंड टेस्ट देना ही है. जहाँ पर भी आप फालतू का टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम वेस्ट अब नहीं करना है. वहाँ वो टाइम अब हमें अपने ग्रैंड टेस्ट को देना है, क्योंकि ये जो 2 मंथ्स हैं एंड यही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे. 2 मंथ्स में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है. मैक्सिमम आप सिलेबस कवर कर सकते हो 2 मंथ्स के अंदर. प्रिपरेशन करके आप अच्छी रैंक ला सकते हो, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. बट अभी सिर्फ 2 मंथ्स की बात है. जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो, जितना हो सकता है उतने ग्रैंड टेस्ट दो एंड जितना हो सकता है एमसीक्यू जहाँ से भी आप सोल्व कर रहे हो, कोई भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो, उसके जितने भी एमसीक्यू है सब सोल्व कर डालो, सब कुछ सोल्व कर डालो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके नोट्स हैं बस उन नोट्स को बार बार पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो उनकी. जितना आप रिवीजन करोगे उतने ही आपके सब्जेक्ट्स, आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. एंड फाइनली ऑल द बेस्ट, थैंक यू.